बाजी पर से तुम्हारा पत्नी अधिकार छोड़ देना और उसे दूसरे विवाह के लिए राजी करना। लाडू, क्या हुआ तुम्हें लाडू? अरे कुछ तो बताओ, क्या हुआ तुम्हें? जब से तुम राधा काकी के कमरे से बाहर आई हो तब से बस रोए जा रही हो। इसे क्या कहा राधा काकी ने कि तुम यहाँ आके रोने लगी? तुम मुझे भी नहीं बताओगी लाडू? ऐसी कौन सी परेशानी है जिसका हल लाडू और गंगा मिलकर नहीं निकाल सकते? गंगा, अब जो भी करेंगे वो हम करेंगे, इसलिए कल सुबह हम सबसे पहले राव और बाबा से बात करेंगे। अब जाओ, जाकर अपने कक्ष में सो जाओ और हम भी सो जाते हैं। इतनी पक्की दोस्ती है हमारी और राव की, वो हमारी बात जरूर समझेंगे और बाबा भी हमारी बात सुनते हैं, तो उम्मीद है इस बार भी सुनेंगे और समझेंगे। जीत आप ही की होगी, देख लेना। राधा, जिस चूहे को पकड़ने के लिए मैं जा रहा हूं उसके लिए बख्तर की आवश्यकता नहीं है। जब भी मैं युद्ध पर जाता हूं और पीछे मुड़कर देखता हूं तो तुम्हारा मुस्कुराता हुआ शांत चेहरा ही दिखता है, और तुम्हारी इसी हिम्मत के कारण युद्ध भूमि में मेरा हौसला दोगुना हो जाता है। हिम्मत तो मुझे मिलती है आपसे, और वही हिम्मत जुटाकर आज अपनी एक गलती सुधारने जा रहे हो। कैसी गलती? मेरी वही गलती जिसकी वजह से हमारे माथे पर दाग लगा, हम शर्मिंदा हुए, अपमानित हुए, किंतु ये गलती सुधारने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए। राधा, करना क्या चाहती हो तुम? बाजीराव का दूसरा विवाह। देखो, मुझे नहीं पता इस समय तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मेरे दिमाग में इस समय केवल एक ही नाम कौंध रहा है, दामाजी। बाबा, बाबा, वो मैं हथियार देख रहा था इसलिए देर हो गई। मैं आरती की तैयारी करती हूँ। बाबा, मैं वो नक्शा लेकर आऊँ? नहीं, मैंने सेनापति के साथ नक्शा देखकर पूरी रणनीति तैयार कर ली है। तैयार कर ली है? तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? बाजीराव, सासवड के आसपास के जितने भी इलाकों से लगान नहीं वसूला गया है, मैंने उनकी एक सूची बनवा ली, तुम्हें वो सूची दूंगा। उन इलाकों से लगान वसूलना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मतलब? तो आप मुझे युद्ध पर नहीं लेकर जा रहे? मैं जो कह रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनो और समझो। यदि कल को मुझे कुछ हो गया तो पेशवा की गद्दी तुम्हें ऐसी बैठे बिठाए नहीं मिल जाएगी। देखो, तुम एक बहादुर योद्धा हो, युद्ध भूमि में अपना जौहर दिखा चुके हो, सिद्ध कर चुके हो स्वयं को, परंतु पेशवा बनने के लिए केवल तलवार की धार ही आवश्यक नहीं होती, उसके लिए दिमाग की धार भी होना आवश्यक है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं युद्ध पर जब जाऊं तो तुम पीछे से प्रशासन और शासन दोनों का कार्य अच्छी तरह से संभालो। लेकिन बाबा, बस यही मौका है, हमें बात कर लेनी चाहिए। काशी, अभी हम जल्दी में, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ, लेकिन वो काम हो गया काशी? जाओ, कावेरी आरती की थाली लेने गई थी, कहाँ रह गई देखो। इन्हें बिना आरती के भेजे हम? जाओ।
पेशवा बालाजी राव की जय। पेशवा बालाजी राव की जय। पेशवा बालाजी राव की जय। आई भाव को भी टीका करो ना। नहीं, बाजीराव मेरे साथ युद्ध पर नहीं जाएगा। मेरी अनुपस्थिति में यहीं रहकर सासवड़ की गद्दी की जिम्मेदारियां संभालेगा। सासवड़ की गद्दी? हाँ, बाजी जिम्मेदार हो गया है अब। किसी को संदेह है क्या? छोटी मालकिन, तो आप कीजिए छोटे सरकार का तिलक। अरे आप क्यों? बाबा ने कहा ना, पेशवा सरकार ने कहा छोटे सरकार आज पहली बार सासवड़ की गद्दी संभाल रहे हैं, तो छोटी मालकिन धर्म पत्नी के नाते आप ही छोटे सरकार का तिलक कर दीजिए। लीजिए। जो भी रसम करनी है जल्दी करो। साथियों, हमारा चलने का समय हो गया है। हर 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 पेशवा बालाजी राव की जय। 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 ये हिसाब किताब तो मेरे भी पल्ले नहीं पड़ते थे। आई बात हिसाब किताब की नहीं है, मैं तो सोता भी हूं तो तलवार सिराने रखता हूं। आग खोलने से पहले हाथ अपने आप तलवार पकड़ लेते हैं, और बाबा मुझे इतनी बड़ी लड़ाई पर नहीं लेके गए, ऊपर से ये सब हिसाब किताब पकड़ा कर चले गए। इस हिसाब किताब में तो तुम्हारे बाबा को भी रुचि नहीं थी, किंतु अब देखो नींद में भी सारे हिसाब सटीक। तुम भी सीख जाओगे बाजी धीरे धीरे, तलवार के साथ साथ कलम चलाना भी। आई मुझे बाबा के साथ होना चाहिए था, पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। सुना है कि हमारी सेना दामाजी के ठिकाने तक पहुंच गई है। सब कुछ ठीक होगा बाजी, चिंता मत करो। आई ये 2-3 दिन काशी के लिए बहुत मुश्किल गए होंगे ना? हो सकता है। ये पिछले 1-2 दिनों में इतना कुछ हो गया कि मुझे सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। काशी मुझसे बात करना चाहती थी, लेकिन मैं इतना गुस्से में था कि मैंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। लेकिन मैं अब उससे बात, बाकी सारी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई है ना बाजी, वो धीरे धीरे समझ जाएगी। देखो बाजी, हम पेशवा हैं, तुम्हारे बाबा के साथ साथ छत्रपति शाहू महाराज को तुमसे भी बहुत सारी उम्मीदें हैं, इसीलिए तुम बाकी सारी चिंता छोड़ दो और उस पर ध्यान दो। और हो सकता है काशी को बुरा लगा होगा, स्वाभाविक है, किंतु गलती तो उसी की थी ना, और जो कुछ भी हुआ वो उसी की गलती की वजह से हुआ, और जो हुआ वो आसानी से भुलाया नहीं जा सकता बाजी।
तुम काशी की चिंता मत करो, वो सारी बातें मुझ पर छोड़ दो, मैं संभालूंगी। ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी जल्दी पलट कर हमला बोलना, मजाक है क्या? सरदार, निकलने का कोई रास्ता नहीं, चारों तरफ से घेर लिया है। छोटे पेशवा जी की, 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 छोटे पेशवा जी की। बैठ जाइए। सूबेदार दिगंबर पाठारे को सभा में बुलवाइए। प्रणाम बाजीराव। दिगंबर जी, आपके इलाके से अभी तक कर का भुगतावा नहीं आया है। हमने दो बार लोग भी भेजे, लेकिन आपने बिना कर चुकाए उनको वापस लौटा दिया। आप तो हर साल सबसे पहले कर चुकाते हैं, तो इस बार देरी क्यों, जब आप जानते हैं कि इस समय सासवड़ की परिस्थिति क्या है? तब आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाओगे तो कैसे चलेगा? बाजीराव, हम अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हमें बार बार याद ना दिलाया जाए, लेकिन इस बार आप हमसे कर की उम्मीद ना करें। क्या मतलब है आपका? हम पहले ही सब कुछ आपको दे चुके हैं। सासवड़ मुश्किल में था, मेरे घर में जो कुछ भी था वो सब सौंप दिया महान जी जोशी को। महान जी काका को? आपके ससुर को। तभी तो महान जी 75,000 सोने की मोहरों का इंतजाम कर पाए और काशी भाई आपको छुड़वा पाई। सासवड़ को हमने बहुत पैसा दिया है, अब कहने को तो ये उधार है, लेकिन हम भली भांति जानते हैं कि ये उधार कभी वापस नहीं आएगा। और इसके बाद भी आप हमसे कर की अपेक्षा कर रहे हैं? भाव कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? भाव कुछ बोलेंगे नहीं तो ये सारे दरबारी क्या सोचेंगे? भाव कुछ बोलिए। ठीक है दिगंबर जी, हम आपस में बात करके आपसे मिलते हैं। ठीक है। प्रणाम। छोटे सरकार, एक दो और छोटे मोटे मसले हैं, वो मैं देख लूंगा, आप आराम कीजिए। की तैयारी करो। अरे रुको, औरतें हैं, निकल जाने दो इन्हें। दामाजी, जूते तो बदल लेता। बाजी, तुम्हारे बाबा ने दामाजी को बंदी बना दिया, पकड़ लिया उसे।
सुना तुमने बाजी? हाय, सुना। अब उसे बांध कर यहाँ लेकर आएंगे, तब चेहरा देखेंगे उसका। क्या हुआ बाजी? आज बैठक में जो हुआ उसके बारे में सोच रहे हो? होता है ऐसे। आज पहला दिन था तुम्हारा, है ना? देखो बाजी, ये तीर, लेकिन कोई मारना नहीं, बल्कि शायद कुछ बात करना चाहता है, नहीं तो ये निशाना नहीं चूकता। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? आई, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। बाजी, इतना रुका? ठीक है। साहूकार और सूबेदारों के मसले दरबार में हल नहीं होंगे। हल ढूंढना है तो नीचे लिखे स्थान पर मिलना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो हम राव से कुछ बात कहना चाहते हैं। बाजी काम कर रहा है, उसे काम करने दो। और वो तो तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता, फिर भी कब समझोगी काशी? आज तुम्हारा क्या दरबार के सामने भी आ गया। तुमने जो किया है ना, वो सुधारने में बरसों लगेंगे। सासू माँ, हम तो बस क्या? अगर तुम बाजी का भला चाहती हो काशी, तो उसे काम करने दो, ताकि वो सोच सके कि आगे चलकर उसे क्या करना है। और तुम वो सोचो जो मैंने तुमसे कहा है, याद है ना? बाजीराव का दूसरा विवाह। और ये काम तो तुम्हें ही करना होगा। कृष्णराव, चीमा जी। तैयार होने में इतनी देर लगती है तुम दोनों को? अभी सभा में पहुंचने के लिए देर हो जाती तो? जीजा जी, अब चलते कम दौड़ते ज्यादा हो। इतनी तेजी से मैं नहीं चल सकता बाबा, गिर गया तो? अच्छा, अभी देर नहीं हो रही। चाहता तो मैं भी हूं कि तसल्ली से तुम्हारे पास बैठूं, तुम्हारी बात सुनूं कि तुमने जो किया क्यों किया, लेकिन अपने आप को मनवा नहीं पा रहा। बहुत दुख दिया है काशी तुमने मुझे। चाहते तो हम भी हैं कि आपके पास बैठे आपको सारी बात बताएं। पता है कि कितने मजबूर थे हम, लेकिन आप पर बहुत जिम्मेदारियां हैं।